जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम ने सीईओ बारामूला बलबीर सिंह रैना के साथ बैठक आयोजन किया। इस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व बारामूला के जिला अध्यक्ष जहूर अहमद मल्लाह ने किया। इस मौके पर कार्यकारी जिला सदस्य और सभी क्षेत्रीय अध्यक्ष बैठक का हिस्सा बने रहे। प्रतिनिधि मंडल ने एक महीने के भीतर समयबद्ध पदोन्नति और 800 से अधिक शिक्षकों के लिए 2 DPC आयोजित करने के लिए सीईओ बाला और उनकी टीम के प्रयासों की सराहना की। इस दौरान जिला अध्यक्ष ने शिक्षकों के कई मुद्दों पर प्रकाश डाला और योग्य सीईओ ने प्रतिनिधि मंडल को धैर्यपूर्वक सुना और शीघ्र निपटान का आश्वासन दिया। काम की एवरेज हो गया, काम की एवरेज है क्या जरूरी है? असल में काम के लिए होना चाहिए। संजय जी थोड़ा फुट पीले की वर्ड के साथ यही है अतुल 5 मिनट में सब पाने से मगर मैंने वो सुकून को छोड़ा इस वजह से कि मेरे सुकून में कहीं ये हो जाए। जो हमारे सीआरसी जो लगे हैं सर, जो हमारी हायर सेकेंडरी से तमाम डिस्ट्रिक्ट में, वैली की बात मैं नहीं करूंगा, लखनपुर से लेकर उड़ी तक मेरा आना जाना लगा रहता है ताकि ये चीजें हम तक मुंतकिल हो जाए। तो रिवायत और रीत ऐसे ही चलती है। सबसे पहले आपका शुक्रिया। आज की जो मीटिंग हमारे यहाँ चीफ एजुकेशन अफसर बारामूला श्री बलबीर सिंह रैना जी के साथ हमने एक मीटिंग मुनक़द की। मीटिंग की सदारत हमारे ज़िला के जो सदर हैं जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम के जहूर अहमद मल्लाह साहब, और इस मीटिंग में हमारे यूटी एग्जीक्यूटिव्स, प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव्स, जिस बॉडी के जो हमारे मेम्बर्स हैं, और जोनल सदर साहिबान जो एंटायर डिस्ट्रिक्ट के हैं, वो इस मीटिंग में मौजूद रहे। तो मैं भी यूटी से इस मीटिंग में, इन्होंने मुझे इन्वाइट किया, तो मैं भी इस मीटिंग में शामिल रहा। इस मीटिंग का मकसद ये था कि जो ज़िला में कामकाज हो रहा है, बहुत पर्टिकुलरली सीओज ऑफिस में या जेडीओ ऑफिस में डिफरेंट इश्यूज़ को लेकर, और भी हमारे कुछ इश्यूज़ हैं जिनको हमने सीओ साहब की नोटिस में लाया। तो यहाँ पे सीओ साहब ने, आपने देखा होगा कि इसी महीने में, एक ही महीने में 2 DPCs को कंडक्ट करके एक रिकॉर्ड बना लिया, जिसमें 800 से ज़ायद हमारे टीचर्स और जो नॉन टीचिंग कैडर हमारा है, वो उनको टाइम बाउंड प्रमोशन से नवाजा गया। और पर्टिकुलरली जो रिड्यूस्ड आरटीज का मसला 2018 से पेंडिंग था, वो मसला भी इन्होंने सीओ साहब के उन्होंने अपने चार्ज संभालते ही उस पर काम करना शुरू कर दिया, और 5-6 साल के बाद वो मसला हल हो गया। कुल मिलाकर हमने और भी हमारे कुछ इश्यूज हैं जो हमने सीओ साहब के नोट्स में लाए, और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह बाकी इशूज़ पे सीओ साहब तंदी और लगन के साथ काम करते हैं, उन इशूज़ पर भी बात होगी। पर्टिकुलरली जो आज आपके माध्यम से मैं सरकार से गुजारिश करना चाहूँगा, जो पीएम पोषण, जो हम जिसको हम MDM स्कीम भी कहते हैं, जो टीचर्स अपने पैसे से, जेब के पैसे से जो MDM स्कीम चलाते हैं, मार्च 2023 से लेकर आज तक उसमें एक रुपया भी रिलीज नहीं हुआ है। तो आपके माध्यम से हमारी गुजारिश रहेगी, जहाँ हमारे बाकी मसाइल हैं उन मसाइल पर भी बात होती है, लेकिन पीएम पोषण का जो के जो फंड्स है उन पर भी बात होनी चाहिए, ताकि टीचर कहीं ना कहीं राहत का सांस ले सके। जी, जो जिस सर्कुलर की आप बात कर रहे हैं, जो प्रोटेस्ट बैन सरकार ने किया है, हमारा मानना यह है कि अगर हमारे इश्यूज़ वक्त पे हल हों, जो असाध्य के मसाइल हैं, यहाँ के एम्प्लॉयज़ के मसाइल हैं, कोई सड़क पे नहीं निकलना चाहता है, हम सब क्लासरूम की ही जीनत बनना चाहते हैं, क्योंकि टीचर इज़ कन्फाइंड टू द क्लासरूम, और हम क्लासरूम में ही बच्चे का फ्यूचर जो है उसको शेप करना चाहते हैं। लेकिन अगर सरकमस्टेंस हमें कंपेल करती है कि जब हमारे इश्यूज रुके पड़ेंगे, हमारे इश्यूज पर बात नहीं होगी, तो हम सामने आएंगे। लेकिन जहाँ तक इस सर्कुलर की बात है, हम मान के चलते हैं कि अगर हम सरकार हमारे इश्यूज जो रुके पड़े मसाइल हैं, अगर सरकार उन पर तंदीकी से काम करेगी, टाइम बाउंड मैनर में हमारे इश्यूज हल होंगे, तो हम मुझे नहीं लगता हमें सड़कों पर आने की जरूरत। जी, एक खुशाइंद कदम है कि जो महकमे तालीम, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट हमारा है, पर्टिकुलरली हमारे जो वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब है, उन्होंने जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब उनके नेतृत्व में उन्होंने एक डिसीजन लिया है कि हम फाइनेंस डिपार्टमेंट को 5,500 करोड़ रुपीज़ का जो एडिशनल फंड्स उनको देने जा रहे हैं, ताकि जो रुका पड़ा जीबी फंड का मामला है, लीव सैलरीज का इशू है, वो हल हो। कहीं ना कहीं हम इस एकदम जो सरकार का एकदम है, हम इसका खैर मकदम करते हैं। लंगोटिया बनागढ़ और सिया